बाबू की लाडली मैं थोड़ी में हरियाणेगी थोड़ी में हरियाणेगी। तो गाइस देखो, सुबह सुबह उठते के साथ मेरे बेटा देखो फोन में घुस रहा है सुबह सुबह उठते के साथ। और आज मैंने बिछाई है भाई गर्म चादर, क्योंकि गर्म चादर हमने कंबल भी चेंज कर रखा है, लेकिन तो भाई कंबल चेंज करूँगी आज, क्योंकि इसको थोड़ी देर धूप में डालेंगे, इसमें सर्दी लगने लगी। इस तो जो मोटा डबल साइडेड वाला जो कंबल है वो निकाल लूँगी आज, क्योंकि इसमें लगने लगी हमने सर्दी। और ये है गर्म चादर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरवी चैनल, में आप सबका वेलकम है भाई। और ईब जो है मैं थमने के दिखाऊंगी, मैं थमने दिखाऊंगी उठ के चाल गई की चाय चुए मैंने पी ली है। और ईब मैं थमने मेरी अलमारी में एक मैंने खास चीज़ रखी हुई है, और वह के है जो मैं कल खरीद कर लेकर आई थी, वो कैप, बच्चा का कैप दिखाऊंगी जो मैं कल शॉपिंग करके आई थी, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, लेकिन मैं ईब दिखाऊंगी। ये जो कैप है एक ध्यान से डाल रखा है, और एक कैप मैं ये लेके आई थी, ये अंदर से इतना गर्म है जिसकी को हद नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था। लेकिन अब फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँगी, यहाँ से मैं अब इसको इसमें रख दूँगी ड्रॉर में, क्योंकि ड्रॉर में रखने से हैं ये क्या। अरे वाह सुबह सुबह मनी के दर्शन हो गए भाई, ये क्या, किसने दिया मेरे को सरप्राइज, मम्मी मम्मी से पूछते हैं भाई ये पैसे किसने रखे मेरे इसमें। वैसे तो इसको मैं वहीं यहीं पे रख देती हूँ, बट पता करते हैं कि किसने रखे हैं। सुबह सुबह दर्शन हो गए। और एक चीज़ और गाइज, मैंने साहिल की टी शर्ट जो है वो मैंने अपनी अलमीरा में अभी तक रखी हुई है, देख सकते हो, और उसको पता भी नहीं है, क्योंकि ये जो खुशबू होती है, क्योंकि वो एक ऐसी खुशी होती है कि भाई जो मतलब हम कुछ भी फील करें तो वो हमारे अंदर तक रहता है, और उसे मैंने बताया भी नहीं, ना मैंने उसको कभी वीडियो कॉल पे दिखाया है कि भाई मैं आपकी जो टी शर्ट है वो मैंने आपकी अपनी अलमीरा में रखी हुई है। मैंने उसको लग रहा है कि मैंने धो धा के रख दिया, बाकी आज का लुक जो भी मैं नहीं हो पर, क्योंकि सर्दियों का सूट है, सर्दियों का ही स्वर्ग है, क्योंकि इसमें सर्दी नहीं लगती, ये एक स्टॉल टाइप में है, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है। और जस्ट मैं अभी उठी हूँ तो भाई अभी ना दूँगी, अभी थोड़ा एक दो काम पड़ा है तो अपना काम करूँगी, बाकी तो मम्मी ने कर दिया था, क्योंकि आजकल मुझे कम ही उठाती हैं, कम इसलिए उठाती हैं, मैं लेट उठती हूँ, कम मुझे इसलिए उठाती क्योंकि भी बच्चे साथ में उठते हैं इस वजह से, और फिर उनको ये कि भाई सर्दी लग जाए बच्चों को कहीं, तो वही बात हो जाती है कि भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों को सर्दी लग गई तो वो चीज़ें हो जाती है, बाकी ठीक है भाई, ये लेट ही उठने देते हैं, इतना मैं अपना बेड पे आराम से लेटी रहती हूँ, वैसे उठ तो जाती हूँ मैं जल्दी, लेकिन कभी कभार जैसे होता है कि रात को नींद नहीं आई तो मैं लेट तक सोती हूँ, नहीं तो उठ जाती हूँ, लेकिन बेड पे ही रहती हूँ, नीचे नहीं उतरने देते, बोलते कंबल में रहे क्योंकि ये उठ जाएंगे बच्चे इस वजह से। चलो भाई अच्छी बात है, और सर्दी तो अभी भी है फिलहाल में, धूप निकल के आ गई है, और मम्मी से अभी पूछेंगे कोई आया हुआ है तो बाहर, वैसे धूप अभी निकल के आ चुकी है, देख सकते हो आप धूप निकलाई है, और टाइम हो रहा है 9:15 का, तो मैं 9:45 का, और मैं अभी उठी हूँ, बाहर भैया आदमी आ रहे हैं तो उस वजह से, बाकी धूप अच्छी आई हुई। और धूप जो है खानी बहुत अच्छी होती है, थोड़ी थोड़ी धूप लेनी चाहिए। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि धूप के साथ साथ में थोड़ी बहुत कोहरा जो होता है वो भी साथ के साथ आता है, तो उस वजह से। और मम्मी ने चादर वगैरह थी जो मैंने कल रात को धोई थी मशीन में, तो वो तो मम्मी ने सुखा दी थी, बाकी ये था कि भाई आज एक दो और कपड़े हैं वो भी धोने के चलते, लेकिन आज वीरवार है तो इस वजह से मैं नहीं धोऊँगी, बाकी ये ब्लॉग कल आएगा, आज नहीं आएगा, आज ब्लॉग और है वो जाएगा कल, ये ब्लॉग आएगा कल, ठीक है, तो ये मतलब वीरवार का है लेकिन ये आएगा फ्राइडे को। तो गाइज क्या बोलूँ मैं, अपनी लाइफ अब फिर से स्टार्टिंग से ऐसे ही कर दिए मैंने जैसे पहले थी, बाकी अच्छा है क्योंकि बच्चे भी अभी यहाँ पे आराम से सो जाते हैं, और मैंने यहाँ पे जो है ये सोफ़ा इसको अभी उधर कर दूंगी, लेकिन इसको अभी इस साइड इसलिए कर रखा क्योंकि यहाँ पे ये नीचे गिरने का भय रहता रात को इस वजह से। बाकी मिलते हैं गाइस बाद में, क्योंकि अभी जो मेरा काम रहता है मैं काम कर लूँ, और थोड़ी सी और चाय बना के पीलू अदरक डाल के
तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं बाद में। गाइस मेरी बेटी जो है चित्रांशी, वो अभी स्टडी कर रही है। सब तो सबको हेलो बोलो चित्रांशी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चित्रांशी, गुड मॉर्निंग। ओके नहीं, ओके नहीं है, गुड मॉर्निंग बोलो आप सभी को। गुड गुड बोलो ना, गुड। लाडू देख ले, फिर मैं बात नहीं करूँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। बोलना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, आ जाएगा। दादा कहाँ गया? दादा ड्यूटी पे गया। दादा ड्यूटी पे गया? हाँ। और आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। गुन्नू की याद आ रही है? हाँ। गुन्नू को मिस किया जा रहा है? हाँ। गुन्नू को बहुत याद आ रही है आपकी? हाँ। और आपको? आपको याद आ रही है गुन्नू की? हाँ। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। ओके, अभी है ना हम उनसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे, ठीक है? हाँ। करोगे आप? हाँ, ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरवी चैनल लाइन में आप सबका वेलकम भी। और आज हम कित जान ला गए, मैं ओली हूँ रेडी और चित्रांशी भी रेडी, और चित्रांशी का टोपा। अब हम जाओगे अपने घर, तो थंबनेल दिखाऊंगी भी, ठीक है? और मम्मी लाग रही है काम, हेलो कर दे रीमा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं बाद में। भाई ये चाय है और ये फैन है, इब हम यार खाओ पियोंगे। या भाई गुरवी तो सारे मिल लो। गुरवी पहले हेलो कर दे, हेलो करो, पहले हेलो करो अच्छे से, पहले हेलो करो अच्छे से, अच्छे से अपना कैप डालर। हेलो नमस्ते। और भैया मेरी मारी का हो रहा बुखार है। अब तो देखो हाँ जी, मेरे चल रहा है बुखार। हाँ, अरे ये वीरू, वीरू की भी थोड़ी तबीयत डाउन है। और यहाँ मेरी नानी फेटन आ रही है नहीं नानी? तो भाई मैं यार मेरी नानी आ रही है। अभी मन ने बदल लिया था अपना सूट, पहन के देखा था भाई मन लग गया अच्छा, तो अपना भाई सर्दिया का है सूट तो अच्छा लग गया, मैंने पहन लिया। बाकी जो है जाते हम दूसरा सूट जो पहन के जाऊँगी, तो हमने मैं दिखाऊंगी भी, मम्मी लेकर आ रही थी तो कैसा रहेगा बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और भाई यार इस तबीयत लोगों को, या सोनिया की ये युग आ गया स्कूल में से, देखो कर चाहे गिरा दो। और भैया मेरा सूट की लुक है, और बाकी मैं थमने पहनूंगी तब दिखाऊंगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी भी मैं बनाने लगी हूँ आपकी इसमें चाय, ठीक है? चाय बना के बच्चों को खिला खिलू के फिर अपना उठेंगे, क्योंकि आज हमारा कोई भी नहीं उठ रहा। देखो ठंडी इतनी है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो गाइस अभी जो है भाई 10:30 का टाइम हो रहा है, और 10:30 के टाइम में आप सब देख सकते हो कि कितनी धुंध पड़ा है, ऊपर से अंदाजा लगा सकते हो। बाकी भाई छत पर तक दिखाऊंगी, पर पहला था हम यार तो देखो बाहर का कुछ भी नज़ारा नहीं दिख रहा, देख सकते हो चुगुरदू का। और छत पहले जाके छत पर तक दिखाऊँ भाई मैं, थमने जो कोहरा वो कितना कितना ज़्यादा पड़ा है। तो गाइस ठंड इतनी हो गई है, क्योंकि भाई बंदर वगैरह भी आ गए आने लग गए। हराम इतनी ठंड, पीछे से देख सकते हो गाइस, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है इतनी ठंड में देख के। देखो खेत भी ना दिखते, और हमारा पेड़ा देखो एक साइड से दिखा दूँ, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो सड़क भी नहीं अच्छे से दिखाई दे रही, देखो कोहरे में है ना। यहाँ के जो घर घर थे ये भी नहीं दिखाई दे रहे। आज तो भाई माँ की सुख सुत्ता जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और गाइस ये रही मैं, देख सकते हो। और मैं किस लिए भी थमन दिखू हूँ वो मैं थमने दिखा दूँ, यार अभी मैं हीटर गेला सकन लाग रही हूँ। काल का दिन, काल का कौन आज का ही हो? आज का ही हो प्रीता का नाटक भाई रे, रुक जा यार। ये देख लो भाई दादी पोता आराम से देख कर नाटक देखने लाग रहे, अभी फोन में भाई, भाई, भाई,
देखो गाइस मम्मी क्या कह रही है, माता श्री क्या बोल रही है, नाटक करो बेटा तो प्यार करो अल्लाह बेटा किसी दे। तो गाइस देखो सुबह सुबह जो है मम्मी लाग रही है वो कालन के है बूढ़े और खोआ काजू बादाम अंडे और तेरी माँ की टांग और भाई मेरी माँ की टांग है जो कि आ बैठी अड़ाई की टांग है। अरे गाइस ये भूगड़े गल्ला लग रहे हैं, भूगड़े खोआ दोनों चीज गल्ला हैं, मिक्स मिक्स वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स तो ज्यादा गिर रहा है ना, बहुत ज्यादा गिर रहा है। पीस प्याज का जब डाला भी सारा सामान इसमें कुछ कुछ इसमें डाला है तेरे ही मोटे हैं साइल के पतले हैं साइल के छोटे छोटे लड्डू भी इसमें डलेंगे ड्रामी में, आओगा जब खा लेगा ड्रामी को ना टोपनी है। ठीक है तेरे मोटे मेरा गणा काम करना है मैं ना तेरे मोटे बंद भी